हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में KTM RC200 के 5 डिसएडवांटेज कवर करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, क्योंकि अगर आप जब तक नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं करेंगे तो आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। और हाँ, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करो, क्योंकि जो भी चैनल रिलेटेड अपडेट होते हैं या जो मैं फ्यूचर में राइड करूँगा उसका अपडेट वहाँ पर पहले ही कर दूँगा। तो इस बाइक का जो मुझे पहला डिसएडवांटेज लगा वो है इसका माइलेज। ठीक है, माइलेज इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि जैसे इसका माइलेज है ओनर को मिलता है वो 25-26 है ना, 30 तो बहुत ही रेयर लोगों को मिलता है। मतलब एवरेज जो इसका देखोगे आप 26-27। ठीक है, तो अगर देखोगे ना जितनी भी 200 सीसी की बाइक्स है ना, तो सबसे कम माइलेज आपको इसी मिलेगा। हाँ, डेफिनेटली इसमें थोड़ी सी पावर ज़्यादा है, कुछ चीज़ें ज़्यादा है, लेकिन अगर आप यहीं पर अगर इसी प्राइस की बात करें, जैसे डोमिनार भी इसी प्राइस में आती है, तो उसमें मुझे 27 का माइलेज मिला है, जबकि वो 400 सीसी है, पावर भी उसकी ज़्यादा है, 35 BHP की पावर मिलती है और इसमें केवल 25 BHP की। तो बाकी जो 200 सीसी की बाइक्स है उसके कंपैरिजन में इसका थोड़ा सा माइलेज कम है। तो ये हुआ इसका पहला डिसएडवांटेज। और इसके दूसरे डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें ना, अगर आप ज़्यादा हैवी ट्रैफिक में हो और आप कंटिन्यूस है ना 10-20-30 किलोमीटर आप हैवी ट्रैफिक में राइड कर रहे हो है ना, सिटी पे हो, ज़्यादा ट्रैफिक है, तो उस टाइम आपको हीटिंग की प्रॉब्लम आती है आपके पैर में, क्योंकि इंजन थोड़ा सा इसका हीट करने लगता है। बाकी आपके पास अगर ये KTM RC200 है तो आप बताओ हमें कमेंट बॉक्स में कि आपको भी क्या ये प्रॉब्लम होती है। और इसका मुझे थर्ड डिसएडवांटेज ये लगा कि इसमें ABS नहीं है। तो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 2 लाख की बाइक है, ठीक है, तो इनको ABS का ऑप्शन देना चाहिए था। अगर मतलब अगर ऑप्शन में तो होना ही चाहिए था ABS, नॉन ABS ऐसा करके, क्योंकि ABS सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और 200 सीसी की बाइक है, पावरफुल भी है, तो आपको ABS देनी चाहिए। क्योंकि अगर बात करें तो अभी जैसे देखो कि आपको NS में भी ABS मिलने लगा, RS में भी मिलता है, तो अगर 200 सीसी की बात करें तो इसी बस में आपको ABS नहीं मिलता, तो इनको ABS देना चाहिए था। तो ये मुझे इसका डिसएडवांटेज लगा। और इसमें जो फोर्थ डिसएडवांटेज मुझे लगा कि ये है कि जैसे मान लो आप सिटी में राइड कर रहे हो, ठीक है ना, आप कंटिन्यूस ट्रैफिक में राइड कर रहे हो और पिलियन भी आपके साथ है, ठीक है, तो इतना राइडिंग पोस्चर इसका एग्रेसिव है कि आपके ये पाम में पेन होने लगता है, क्योंकि मैंने भी इसको राइड करी ना, तो मतलब एक टाइम के बाद बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगते हो। अगर आप सिंगल हो तो ठीक है, आप हैंडल कर भी लोगे, लेकिन अगर पिलियन है तो, क्योंकि पिलियन का भी पूरा वेट आपके ऊपर जाता है और फिर आप पूरा वेट आपके पाम में जाता है, तो दिक्कत करता है। और बैक में भी पेन होता है, तो अगर मान लो किसी आदमी को बैक की प्रॉब्लम है तब तो फिर ये बाइक उसके लिए बिल्कुल नहीं बनी है, तो आप उसको दूसरे ऑप्शन की ओर जाना चाहिए। तो ये हुआ इसका फोर्थ डिसएडवांटेज। और आपको बता दूँ कि ये जो डिसएडवांटेज है ना, ये सबके लिए मैटर नहीं करते। और इसका जो फिफ्थ डिसएडवांटेज है वो ये है कि जितनी भी 200 सीसी की बाइक्स आती हैं ना, उसमें से सबसे अनकंफर्टेबल है ये बाइक फॉर लॉन्ग राइड। वैसे भी अगर आप ये बाइक लोगे तो लॉन्ग राइड तो नहीं एक्सपेक्ट करोगे, पर मान लो कभी आप लॉन्ग राइड करते भी हो ना, तो ज़्यादा अनकंफर्टेबल आप इसमें फील करोगे कंपेयर टू अदर 200 सीसी की बाइक्स। तो यही है इसके डिसएडवांटेज। अब आप सोच रहे होगे कि ये जो टूरिंग बाइक है ही नहीं, तो उसका लॉन्ग राइड पे क्यों ले जा रहे हैं, ऐसा क्यों डिसएडवांटेज बता रहा हूँ मैं। तो डिसएडवांटेज का जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मतलब यही होता है कि बाकी जो 200 सीसी की बाइक्स है उसके कंपैरिजन में इसमें क्या कमी है। तो यही है इसमें जो 5 डिसएडवांटेज मुझे लगे, एक बार समराइज़ कर देता हूँ। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि आपको हीटिंग में प्रॉब्लम आती है सिटी में ज़्यादा ट्रैफिक में। दूसरा ये है कि माइलेज आपको कम मिलता है कंपेयर टू अदर 200 सीसी बाइक्स, ठीक है। और थर्ड की आपको अगर ज़्यादा हैवी ट्रैफिक में है तो आपको पाम में और बैक में पेन होने लगता है। और फोर्थ इसमें ABS नहीं है। और फिफ्थ की आप क्रूजिंग में अगर जा रहे हो तो थोड़ी दिक्कत कर देती है।